राजस्थान में राजाओं के बुरे दिन आ गए हैं। जी हाँ, राजस्थान में राजमहलों का असर ढलान पर है, क्योंकि अधिकांश राजा यहाँ से चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने राजाओं को मौका दिया था, लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं जिताया। यहाँ पर 5 महाराज हार गए और 4 को ही जीत मिल पाई। जी हाँ, राजस्थान ने कहा कि माफ करो महाराज। जीतने वालों में वसुंधरा राजे हैं, उसके अलावा बीकानेर की राजकुमारी सिद्धि कुमारी भी जीती हैं। कोटा राज परिवार की कल्पना देवी को कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने भाजपा चुन ली और वे जीत कर भी आ गई। भरतपुर के विश्वेंद्र सिंह भी जीते हैं, लेकिन हारने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मानवेंद्र सिंह भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे, लेकिन उन्हें हार मिली। गजेंद्र सिंह खिमसार भी हार गए। भरतपुर राज परिवार की कृष्णन कौर दीपा को भी हार मिली। इमामुद्दीन अहमद के हिस्से में भी हार आई और सोशल मीडिया पर राज परिवारों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर जो हालात बने हैं उससे यह साबित हो गया है कि राजस्थान में भी माफ करो महाराज चल पड़ा।